नमस्ते, आज हम ग्रीन विंग्स के बारे में देखने वाले हैं, उसका डेमो देखने वाले हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन और एक ग्रीन विंग्स का एल साइज का है। ये एक प्योर ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन है। और ये एक नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन पैड है जो नॉर्मली मार्केट में मिलता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है हम देखने वाले हैं, कितना अब्सॉर्प्शन लेवल है, कितना प्लास्टिक इन्वॉल्व है इसमें। ये इससे बड़ा ही है या कंपैरेबल टू दिस। यहाँ पे 50 ml वाटर है, मैं अभी डालने वाली हूँ। दोनों में 50-50 है, इक्वली डाल रही हूँ। देखो कितना ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे पानी लीक हो रहा है और यहाँ पे अभी तक ऑब्जर्व कर रहा है। दोनों में 50-50 ml डाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू ऐड सम मोर वाटर इन दिस। एक्स्ट्रा और 50 ml ऐड करने वाली हूँ ग्रीन विंग सैनिटरी नैपकिन जो ऑर्गेनिक है। इसमें एनियन चिप करके भी एक इंस्टॉल किया हुआ है जो आपके बॉडी को कूल रखता है, ठंडक देता है शरीर में, गर्मी प्रोड्यूस नहीं करती है। ध्यान से देखना, पानी ड्रॉप हो रहा, गीला हो रहा है। अब देखे हो, इसमें मैंने सिर्फ 50 ml डाला है और इसमें 100 ml। अब मैं आपको बताने वाली हूँ दोनों का अब्सॉर्प्शन लेवल। यहाँ पे देखो, दोनों में इक्वली डाल के स्क्वीज दबा रही हूँ, अच्छा प्रेस करके, और यहाँ पे गीला हो गया और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीन विंग्स ने पूरा ऑब्जर्व कर दिया पानी को और ये पूरा गीलापन, इस गीलेपन के वजह से आपको रैशेज होती है और आपको बार बार चेंज करना पड़ता है। अब मैं इसके अंदर क्या है आपको बताने वाली हूँ। ये जो फर्स्ट लेयर है नैपकिन का, वो बना हुआ है रेयॉन मटेरियल से और पूरा प्लास्टिक है। इस रेयॉन मटेरियल के वजह से आपको रैशेज होती है एंड इस प्लास्टिक के वजह से आपको गर्मी भी प्रोड्यूस होती है। ये जो नॉर्मल कॉटन है, ये अगर मैं स्क्वीज कर दूं तो पूरा पानी निकल रहा है। आप देख सकते हो कितना पानी निकल रहा है। जो लास्ट लेयर है नैपकिन का, वो है प्लास्टिक। ये देखो, प्लास्टिक दिख रहा है। इस प्लास्टिक के वजह से आपके पैंटी से बिल्कुल भी हवा नहीं जाती है। इन दिस हवा नहीं जाने के वजह से आपको हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में और बहुत इरिटेशन होता है। इसके वजह से आपके यूट्रस को भी प्रॉब्लम होती है। और अब आपको मैं बताने वाली हूँ ग्रीन विंग्स का सैनिटरी आनियन नैपकिन। ये जो लेयर आपको दिख रहा है, ये लीकेज प्रूफ है, आपके ब्लीडिंग को अंदर ही रखेगी, लीक नहीं होगा। ये प्योर कॉटन से बना हुआ है।
इसके वजह से आपको शरीर में ठंडक मिलती है और बिल्कुल भी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। इसमें टोटली 9 लेयर्स है जो आपके ब्लीडिंग को नैपकिन के अंदर ही रखते हैं और कहीं भी आपको लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होता है। ये कॉर्न स्टार्च से बना हुआ है। फर्स्ट लेयर आपको दिख रहा है, ये प्योर कॉटन से, इससे आपको रैशेस नहीं होती और बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी। इसमें ऑलरेडी मैंने 150 ml डाला है और अभी और मैं आपके सामने 50 ml का पानी डालने वाली हूँ। और जो ये आपको अनियन दिख रहा है, इससे आपको ये देखो कॉटन आपको दिख रहा है और इस अनियन से बहुत सारे बेनिफिट्स है आपको। और ये कॉटन, इतने सारे स्पोर्स है जो आपको हवा जाने के लिए देती है। ये एक्स्ट्रा 50 ml पानी मैं इस नैपकिन के अंदर डालने वाली हूँ और अब्सॉर्प्शन लेवल देखना आप। ये देखो लास्ट लेयर, ये इसमें स्पोर्स बताने वाली हूँ मैं आपको कितना है, ये कितना हवा आपको दे अंदर जाने के लिए स्पेस है। एक अब्सॉर्प्शन लेवल के थ्रू आपको बताने वाली हूँ। ये गर्म पानी इसके ऊपर मैं डाल के क्लोज करने वाली हूँ। जो ग्लू इसमें यूज किया हुआ वो भी ऑर्गेनिक ग्लू है, जो सपोटा के या पपाया के जो पल्प होते हैं उससे इसमें ग्लू बनाया जाता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना वेपराइज हो रहा है। अब मैं आपको इस अनियन चिप के बारे में बताने वाली हूँ। ये अनियन चिप आपके बैक्टीरियाज जो प्रोड्यूस होते हैं आपके ब्लड से उसको किल करता है। एंड इस अनियन चिप के वजह से आपको कोई गंदी स्मेल नहीं निकलेगी। आप कहीं घूमने जाते हो एंड वो ब्लड की स्मेल आती है, वो सब नहीं आएगी। और इससे आपका मूड स्विंग भी आके नॉर्मलाइज्ड होता है। बार बार आपका मूड स्विंग नहीं होगा, बार बार दिमाग उस पीरियड्स में हो वो इरिटेशन आपको बिल्कुल भी नहीं देता है ये। एंड इसके वजह से आपको कूलनेस भी होती है, ठंडक भी रहती है बॉडी में, हीट प्रोड्यूस नहीं करती है, सारे बैक्टीरियाज को किल करती है और फाउल स्मेल नहीं होता है। आपका जो पीरियड्स है वो बरोबर 30 डेज में या 25 डेज में बरोबर साइक्लिक होता जाएगा। एंड अभी आपको मैं इस अब्सॉर्प्शन का बताने वाली हूँ। आप देख सकते हो पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, देख लो। एंड अब मैं आप स्क्वीज करने वाली हूँ। स्क्वीज करने से एक ड्रॉप पानी भी नहीं निकल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 125 टू 150 ml इसमें से अब्सॉर्ब होता है, बट एक नॉर्मल औरत ज़्यादा से ज़्यादा 60 ml या 70 ml से नहीं ब्लीड करते हैं। और
अब आप देख सकते हो इसमें कैसे पूरा पानी वेपराइज हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो ये बना हुआ है लास्ट लेयर, उसमें पोर्स है, उस पोर से आपको हवा जाती है एंड उस हवा से आपको कोई इरिटेशन फील नहीं होता, आपके यूट्रस को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि यूट्रस ऐसी जगह है कि आपको हवा भी चाहिए। आप ऑलरेडी जीन्स पहनते हो, लेगिंग्स पहनते हैं, तो उसे हवा नहीं जाती है, इट्स नॉट कम्फर्टेबल फॉर अस। तो इसके लिए इसमें स्पोज बना हुआ है ताकि थोड़ा हवा भी पास होए एंड यू कैन, आप सब देख सकते हो कि ये कितना वेपराइज हुआ है। एंड अंत में ये बोलना चाहती हूँ कि ये ग्रीन विंग्स एनियन सैनिटरी नैपकिन आपके शरीर के लिए बहुत बहुत अच्छा है। इस एनियन के वजह से आपके शरीर में बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे आपको स्ट्रेस रिलीव करता है, टेंशन नहीं मिलती है ज़्यादा, आपको कहीं जाओ तो आपको बार बार पैच चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, दिन में दो चेंज करे तो ही काफ़ी है, एक बार सुबह और एक बार रात को। एंड इससे आपको स्ट्रेस रिलीफ होता है, फाउल स्मेल नहीं होती है एंड इरिटेशन नहीं होता है, हीटनेस प्रोड्यूस नहीं होती है, गर्मी बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि आप देखे हो कि आपको तो बताई हूँ प्रूफ के साथ कि इसमें पोज है, मतलब छेद है जिससे हवा पास होती है। और अगर आप, ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। थैंक यू।